सो ये है एपिसोड 2। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अपर फेस का जो पोर्शन है और जो बैकग्राउंड है वो कलर करके आप लोगों को दिखाया था। वीडियो अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में फेस का जो नीचे का पोर्शन है वो आप लोगों को कलर करके दिखाऊंगा। कलर के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्रश स्ट्रोक कलर पेंसिल। आप लोगों के पास जो भी कलर पेंसिल है उससे ही ट्राई कर सकते हैं। तो चलो अब कलरिंग शुरू करते हैं। सो यहाँ पर जो स्किन टोन है वहाँ पर हम लोग धीरे धीरे डार्क से धीरे धीरे लाइटर टोन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर डार्क टोन क्या है, लाइटर ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राउन से मैं फर्स्ट टोन दे रहा हूँ जहाँ से यहाँ पर डार्क एरियाज है वो। ब्राउन से ये टोन देने के बाद ब्राउन के ऊपर नेक्स्ट क्या आएगा, ब्राउन से थोड़ा लाइटर टोन है ऑरेंज, ओके। तो ब्राउन के बाद यहाँ पर ऑरेंज दूंगा, उसके बाद क्रोम येलो और उसके बाद पीच। तो ऐसे धीरे धीरे जाएगा। देखो कलर का टोन कैसे थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप लोग लाइट ऑकर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर ब्रश स्ट्रोक का कलर पेंसिल है आपके पास तो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वैराइटीज रहते हैं। सो जैसे कि मैंने फेस का वो छोटा पोर्शन में किया, सेम पूरा फेस में होगा। पहले लाइटर ब्राउन से या फिर ब्राउन का आपके पास जो भी टोन है उससे जो डार्कर पोर्शन है फेस का, जो शेडो वाला पोर्शन है उसमें एक टोन दो, फिर उसको धीरे धीरे लाइटर टोन की तरफ लेके जाओ। सेम वही कलर होगा, ऑरेंज, क्रोम येलो, पीच, ये सब। पर जब आप लोग कलर को अप्लाई कर रहे हो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। प्रेशर अप्लाई करोगे तो फेस का जो ये देखो एक ग्रेनी टेक्सचर है वो ख़त्म हो जाएगा, एकदम ऐसा प्लेन दिखेगा, उससे टेक्सचर नहीं आएगा, जो ड्राइंग है वो आर्टिस्टिक नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग आपके ड्राइंग में लाना चाहते हो तो इस मेथड को फॉलो करना है। नॉर्मल प्रेशर से आप लोग को पेंसिल को अच्छे से शार्प करते हुए शेड देना है और जो एंगल है उसे प्रॉपरली समझ के देना है। सब जगह में सेम एंगल में शेड नहीं है, जिस जगह का शेप जैसा है उसी शेप में आप लोगों को शेड भी देना है, ओके। स्किन के साथ साथ अब जो लिप्स है उसमें भी मैं फर्स्ट टोन दूंगा। लिप्स का कलर यहाँ पर थोड़ा डार्क है, मतलब डार्क कलर का लिपस्टिक है शायद, ओके। तो यहाँ पर मैं एक डार्क रेड या फिर ब्राउन का ही एक डार्क टोन यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट टोन देने के लिए। इसके ऊपर बाद में कलर आएगा, डार्क जो एरियाज है उसमें ही सिर्फ दे रहा हूँ। उसके बाद उसको धीरे धीरे जो कैनोमाइन कलर है या फिर डीप रेड जिसे बोलते हैं उस कलर के साथ थोड़ा मैच करूँगा बाद में, ओके। अब स्किन का जो टेक्सचर था वही हम लोगों को दोहराना है। कानों के लिए कान में थोड़ा डिटेलिंग ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंगल्स यहाँ पर मौजूद है, तो आप लोगों को उसे अच्छे से फॉलो करना है। उसके साथ साथ जो चिन का पोर्शन है उसमें आप लोगों के ऐसे क्राउन टाइप का शेप लाना है चारों तरफ से, ठीक है, तो जगह बहुत अच्छा दिखेगा। यहाँ पर देखो फेस में बहुत सारे एंगल्स है, पेंसिल मैं कहाँ पर किस एंगल में अप्लाई कर रहा हूँ वो देखो, और देखो धीरे धीरे जो ऐसे स्मूथनेस है वो आ रहा है, एक ही बारी में नहीं आ रहा है। पहले देखो थोड़ा फीका फीका था, ग्रेनी टेक्सचर था ज़्यादा, ठीक है, उतना ब्लेंड नहीं हुआ था, पर जितना मैं लेयर्स में कलर दे रहा हूँ एक के बाद एक ऊपर ऊपर उतना ही ज़्यादा ब्लेंड हो रहा है। तो आप लोग को हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे धीरे करो, जितना लेयर दोगे उतना ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर की कोई अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लेयर्स में सब्र रख के देना है। बीच आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक दिया हुआ है। वहां से जाके आप लोग मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। सो चलो बैक टू द ड्रॉइंग। लिप्स में ब्राउन के साथ अब मैं जो रेड है डार्क रेड उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेम स्किन में भी जो डार्कर एरिया है उसमें थोड़ा डार्क रेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे थोड़ा ऐसे कॉन्ट्रास्ट एक लुक आएगा, ज़्यादा फीका फीका नहीं दिखेगा, क्योंकि किसी भी ड्राइंग में जितना ज़्यादा आप लोग हाईलाइटेड वैल्यू दोगे उसके साथ साथ डार्कर वैल्यूज़ भी उतना ही देना है,
उससे ही ड्राइंग का कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखता है। ड्राइंग अगर ज़्यादा डल हो जाए, मतलब ज़्यादा ही डार्क है, या फिर पूरा ड्राइंग ही ज़्यादा ब्राइट है, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता। ड्राइंग में सब चीज़ ही एकदम प्रॉपर मेजरमेंट पर, मतलब प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। डार्कनेस भी अच्छा ज़्यादातर एरिया में रखना चाहिए, हाईलाइट्स भी रहना चाहिए और मिड टोन्स भी रखना चाहिए। तो ऐसे ही आप लोगों को रेफरेंस फ़ोटो सिलेक्ट करना होता है। देखो इस रेफरेंस फ़ोटो में एकदम आइडियल कंडीशन है, मतलब डार्क एरियाज भी है, हाईलाइटेड टोन्स भी है और मिड टोन्स भी है। तो यहाँ पर देखो लोअर लिप्स जो है उसमें मैं थोड़ा ऐसे पीच कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा लाइटर टोन में है, पर उसके पहले डार्कर एरियाज में मैंने लाइंस बना दिया। अब धीरे धीरे जो लाइटर टोन्स है उसको मैं उसके साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। या पर आप व्हाइट पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो हाईलाइटेड एरिया को ब्लेंड करने के लिए, ओके, पर बहुत ही अच्छे से और टाइम लेकर करना, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे डिटेलिंग का काम है। यहाँ पर अगर हड़बड़ी करोगे, कोई अगर ख़राब हो जाए कोई एरिया, तो उसे मिटा नहीं पाओगे, क्योंकि कलर पेंसिल उतना अच्छे से, मतलब उतना ईजीली इरेज नहीं होता जैसे ग्रेफाइट पेंसिल होता है। तो इरेज आप लोग नहीं कर सकते, तो बहुत ही पेशेंस लेकर करना है। फर्स्ट एपिसोड में जैसे कि आप लोगों को दिखाया था कि बालों का पोर्शन कैसे करना है तीनों लेयर में, सेम वैसे ही कर लो। ब्लैक से पहले फर्स्ट लेयर दिया, थोड़ा ऐसे एक ग्रेइश टेक्सचर बन गया, फिर सेम उसके ऊपर ही मैं सेकंड टोन दूंगा, थर्ड टोन दूंगा, तो ऐसे डार्क हो जाएगा। अब गले का पोर्शन जनरली जो फेस है उससे थोड़ा डार्क होगा, तो यहाँ पर ब्राउन का मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेम ब्राउन के साथ डार्क रेड, ऑरेंज, इन जो कलर है ये सब कलर इसका अप्लाई ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो लाइटर टोन है, जैसे कि क्रोम येलो हो गया, पीच, ये सब, ओके। तो आप लोगों को फेस से जो गले का पोर्शन है वो डार्कर बनाना है और इसके लिए डार्क टोन्स देना है। देखो फर्स्ट टोन मैंने दे दिया था, अब उस सेम वही कलर पेंसिल से मैं जब सेकेंड टोन दे रहा हूँ कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। आप लोगों को कोई अलग से ब्लेंडिंग मशीन का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आप ये मेथड को फॉलो करोगे तो। नाउ कान में मैंने फर्स्ट लेयर देके छोड़ दिया था, अब उसमें सेकंड लेयर, मतलब फाइनल लेयर दूंगा सेम वही कलर पेंसिल से, पर यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग का काम है तो उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, ठीक है। कान में हम लोग ज़्यादा नोटिस नहीं करते, पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाईलाइट्स में कैसे छोड़ा हूँ छोटे छोटे पोर्शंस में वो देखो। अब आ गया ऑर्नामेंट्स, तो यहाँ पर गोल्डन कलर का ऑर्नामेंट्स बनाना है, तो पहले ब्राउन दो, उसके बाद थोड़ा ऑरेंज दो, उसके बाद क्रोम येलो दो और थोड़ा व्हाइट एरिया छोड़ दो। व्हाइट एरियाज इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी ज्वेलरी में हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही शाइनीनेस लाता है। तो व्हाइट छोड़ दो कुछ कुछ एरियाज में, सेम मैंने कान के ऊपर वाला ज्वेलरी में मैंने कर दिया, सेम बाकी नीचे का भी वही सेम मैं टेक्निक दोहराऊंगा। और देखो ज्वेलरी के आसपास का जो एरिया है वो कंपैरेटिवली डार्क है, तो उसको आप लोगों को डार्क प्रॉपरली बनाना है, तभी जो ज्वेलरी है गोल्ड का जो ऐसा शाइन है वो और भी ज़्यादा उभर के आएगा। वीडियो में पूरा फेस मैंने कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में नीचे का जो ऐसे साड़ी का पोर्शन है यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हो, साड़ी का जो पोर्शन है वो करूंगा और लास्ट जो फिनिशिंग टचेस है वो भी करके दिखाऊंगा। रेफरेंस फोटो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करके खुद से ड्राइंग करना शुरू कर दो दोनों एपिसोड देखकर, और मुझे भेज सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं देखकर बता दूंगा अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। ओके सो ड्राइंग स्टार्ट कर दो और मेरे साथ शेयर करो। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते चलो नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए do artistic and be artistic.